हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु स्वामी। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं हमारी मम्मी के घर। मैं अपने घर जा रही हूँ मेरे मायके। सो उसका मैं आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज ही स्टार्ट कर रही हूँ, मैं कैसे क्या पैकिंग करती हूँ, और हम आज के दिन मतलब अभी जो आधा दिन तो चला गया है, आधे दिन हम क्या करते हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और कल हम जब जाएंगे ना मम्मी के घर, वो भी मैं आपके साथ में पूरा व्लॉग शेयर करूंगी। और मम्मी के घर जाने के बाद में वहाँ के भी आपके साथ में व्लॉग शेयर करूंगी। अगर आपको वहाँ के व्लॉग्स देखने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और चलिए अब आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्या व्लॉग बनता है। मुझे अपनी बैग पैक करनी है, और जो भी आज हमारा कुछ खाने में क्या बनने वाला है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस आज शाम को बनने वाले हैं मूंग दाल के पकोड़े, और हमारे मारवाड़ी में जिन्हें बोलते हैं गुलगुले, वो मीठे पकौड़े, वो भी बनने वाले हैं साथ में। सो सर्दियों में तो पकौड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अच्छे लगते हैं हम सबको। सो आप लोग बताना कि आपके यहाँ पर सर्दी कैसी है, और आपको भी सर्दियों में पकौड़े खाना पसंद है क्या? सो हम लोग तो आज शाम को मूंग दाल के पकौड़े बनाने वाले हैं। सो अभी पापा ये हरा धनिया और ये ग्रीन वाले प्याज लेके आए हैं, तो मैं इनको फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में, सब कुछ करने में। तो इनको मैं जल्दी से काट के साफ़ करके काट के रख देती हूँ, और जो दाल मम्मी धोके गए ना उसको मैं अच्छे से मिक्सी में पीस देती हूँ। सो मम्मी जब वापस आएंगे ना उनको बस बनाना पड़ेगा पकौड़ों को। सो ये मैं जल्दी से रेडी कर देती हूँ। और जब मम्मी तो ये हरा धनिया और ये प्याज हमें साफ़ करनी है, मतलब मुझे साफ़ करने हैं, सारे नहीं साफ़ करने, थोड़े ही करने हैं। सो ये साफ़ करके फिर मैं अपनी बैग पैक करूँगी। सो पहले फटाफट से मैं ये साफ़ कर लेती हूँ जितनी मुझे चाहिए उतनी, और फिर करूँगी मैं अपनी बैग पैक। और यहाँ पर मैंने ये सब कुछ रेडी करके रख लिया है। सो अब इनको मिक्स करके, इनमें मसाला मिक्स करके दाल में और पकौड़े बनाने ही हैं। सो ये सब कुछ काट के मैंने रख दिया है, और दाल पीस के रख दी है। एक बता अभी कहाँ गया था तू पहले? नोरे। नोरे तो अब आज तू लास्ट नोरे गया के, फिर कब जाएगा? फिर सर्दियों की छुट्टी के बाद। सर्दियों की छुट्टी के बाद तो सर्दियों की छुट्टियों में कहाँ जाएगा? गांव। गांव क्या होता है, गांव तो मेरा है, तेरा तो नानी का घर है, तेरा नन्नी आल है वो। नानी के घर जाएगा? हाँ। मुझे लेके जाएगा? हाँ। और किसे लेके जाएगा? ओ तो इतना बड़ा हो गया, अंगूठा लेता है। देख सब लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, डुबू अंगूठा लेता है। निकाल तो बता। तो अब पता है तुझे, तेरे कपड़े और मेरे कपड़े ना मैं मेरी वाली बैग में डालूंगी। मम्मा ने कहा मैं डुबू के कपड़े नहीं डालूंगी मेरी बैग में। हाँ सच्ची में पूछ ले मम्मा को। अब तुझे पता है तेरे कपड़े ना मैं मेरी बैग में डालूंगी। डालू क्या? दुगु के और बसु मासी के कपड़े ना बसु मासी की बैग में, ठीक है? और मम्मा के और परी के कपड़े ना मम्मा की बैग में। अब मम्मा ने ना तुझे अपने से अलग कर दिया क्या? नहीं। तो तुझे मम्मा सुलाती भी नहीं है, अपनी बैग में कपड़े भी नहीं डालती है, बता। अभी थोड़े दिन पहले डुगू का बर्थडे था क्या? हाँ। तो सब लोगों ने कितना कितना बोला कि वाह डुगू कितना अच्छा है, कितना मस्त बोलता है। बोलते है क्या तुम? मस्त ऐसे ही बोलते कि आप सबने मुझे बर्थडे विश किया उसके लिए थैंक यू। आप सबने मटर कह रही हो बताओ ना, बात छोड़ दें। और ठीक अभी पता है माँ क्या बना रही है? गुल छोटा बड़ा बना रही है। डुगू ना गुलगुले और बड़े को ना गुलगुले को छोटा बोलता है और बड़े को बड़े बोलता है। क्यों भाई बोलते, क्यों बोलता है? मीठे वाले है ना, गंदा है तू। कौन किसको अच्छे लगते है ये मीठे वाले? मुझे मीठा, और वो भी सॉस के साथ में है ना। हाँ। अभी माँ थोड़ी देर में बना देगी। तो और ये मुझे साड़ियाँ लेके जानी है मेरे साथ में, सो मैं इनको भी पैक करूंगी, और एक पैकेट में डालूंगी इन दोनों को, एक को ही। और इसके बाद में मैं मेरी बैग पैक करूंगी। सो बैग पैक करने के बाद में मुझे लगानी है मेहंदी। सो दीदी ने तो ऑलरेडी लगा ली है, मैं बच गई हूँ। सो मैं अपना काम खत्म करके
फिर मेहंदी लगाऊंगी, सो फटाफट से सूख भी जाएगी और बार बार ऐसे निकालनी भी नहीं पड़ेगी मेहंदी। सो ये वाली दो साड़ियाँ मुझे लेके जानी है, सो ये मैं इस वाले पैकेट में डाल लेती हूँ और ये वाली इसमें डाल के यहीं पे रख देते हैं। ले देखो क्या लाया है तू, छोटा और सॉस, छोटा गुलगुले और सॉस बोल रहे हैं। इसको छोटा बोलते हैं। तो इसको छोटा बोलते हैं क्या? तुझे ये अच्छा लगता है क्या? हाँ। मुझे भी खिलाएगा क्या? हाँ। देख चप्पल के तो पास में बैठा है, दूर नहीं खोल के आता। अभी से दूर खोल के आऊं क्या? अभी से आ से तू खाना खा लेगा। ठीक है, हाथ में हैंड वॉश करके आना। रोटी बनाई है क्या? रोटी नहीं बनाई आज, बस यही है। चटनी क्यों बनाई है? चटनी तो कल की है, कल रात को बनाई थी ना। और मैं ये रेड कलर की सिल्क वाली साड़ी वेयर करके जाऊंगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी साड़ी है और पूरे दिन का फटाफट से काम करके फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी हुई और मैं जल्दी जल्दी मुझे जैसे समझ में आया मैं फटाफट से रेडी हो गई और ये रेड कलर की साड़ी मैंने वेयर कर ली। पूरी बेबी तैयार हो गई। तू क्यों रो रहा है? तुझे जल्दी है जाने की? गुस्सा आ रहा है डुगु को। करण जी तो मुझे भी दो पैसा। कुछ रो भाई, मुझे भी दो पैसा। अच्छा अच्छा करो। हेलो गाइस, घी खा लो। तो बोला लंबा है तो ठीक है, कोई नहीं बोलता। अरे कहाँ इसका मुंह कहाँ गया? फर्स्ट फ्लोर पे देख। तो बहुत ज्यादा लंबा है। सो गाइज व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था सो मैंने इसको दो पार्ट में कर लिया, तो आपको आगे का व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। ये व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना।